कोतवाली विकास नगर क्षेत्र में कुछ दिन पूर्व एक रेस्टोरेंट के स्वामी पर दो अज्ञात व्यक्तियों ने जानलेवा हमला कर दिया था। मामले को लेकर अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसको लेकर हिमाचली समाज के लोगों ने शनिवार को थाने का घेराव किया। साथ ही समाज के लोगों ने कार्रवाई की मांग की। वहीं वरिष्ठ उप निरीक्षक दीपक मैठानी ने धरना दे रहे लोगों को कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद धरना दे रहे लोगों को शांत किया गया। विकास नगर से इंद्रपाल सिंह की रिपोर्ट। सर, अभी आपने पिछले कुछ दिनों में सुना होगा कि फॉरएवर के जो मालिक हैं भानु ठाकुर, उनके साथ एक घटना घटी थी। तो उस घटना में जो FIR हुई थी, आज एक हफ्ते से ऊपर हो गया, तो पुलिस ने उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं करी थी। तो उसी पुलिस ने हमने जो है थाने को घेरा में लिया था। पुलिस द्वारा जो बहुत टाइम से हमने FIR की थी, उसकी रिसीविंग भी ले ली थी, उसके बाद भी कुछ उसमें कार्रवाई नहीं हुई। तो फिर सभी हम समाज जो हमारे हिमाचली समाज है, सभी वरिष्ठ लोग जो है यहाँ पर आए हैं और अपनी बात रखी है। कार्रवाई को लेकर यहाँ पे आए थे तो संबंधित विवेचक भी के द्वारा जो है तत्काल जो है इसमें नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए आश्वासन दिया गया, जिसके उपरांत